हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कतर में रहते हैं दोस्तों, तो कतर में कोरोना के आज बता दूं आपको 421 नए मामले आए हैं दोस्तों, 421 रिपोर्टिंग हुई है। साथ ही साथ देखेंगे हम कि कतर में हालत काफ़ी ख़राब हो गई है दोस्तों। मामला धीमे धीमे कम हो रहा है, लेकिन कभी एकदम से बढ़ जाता है, जैसे कि आज बढ़ गया है दोस्तों। धीमे धीमे कम होते होते आज बढ़ गया है। चलिए देखते हैं दोस्तों ऑफिशियल रिपोर्ट कतर की। तो दोस्तों बात करें पिछले 24 घंटे में 429 लोग ठीक होकर अपने घर गए, जिसको मिलाकर अभी तक 1,02,597 लोग दोस्तों अपने घर जा चुके हैं। बहुत ही राहत की खबर है। लेकिन बात करें पिछले 24 घंटे में कितने लोगों की मौत हुई, एक आदमी की मौत हुई, जिसको मिलाकर कतर में मरने वालों की संख्या 153 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 4,923 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसको मिलाकर 435,584 लोगों का अभी तक टेस्ट किया जा चुका है। बात करते हैं पिछले 24 घंटे में कितने केस आए, 421 आए, जो कल के मुकाबले में ज़्यादा है। और 421 को मिलाकर 3,148 केस हैं जो कि एक्टिव हैं, जो कि कल के मुकाबले कम है दोस्तों। 3,148 मामले, क्योंकि काफ़ी लोग ठीक होकर भी घर गए, इसलिए कम है। भले ही नए मामले ज़्यादा आए हैं, तो क्या हुआ, 7 लोग आईसीयू में एडमिट हुए हैं दोस्तों, जिसको मिलाकर आईसीयू वाले 132 हो गए हैं। एक्यूट हॉस्पिटल एडमिशन वाले केस 41 है, जिसको मिलाकर 545 एक्यूट हॉस्पिटल एडमिशन वाले केस हो गए हैं। बात करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम की। अगर आपको भी कोई हेल्थ से रिलेटेड समस्या है, तो 1600000 नंबर पर आप डायल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, निदान मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लगातार हाथ धोते रहो साबुन से, और फेस मास्क पहन के रखो, एक दूसरे से दूरी बना के रखो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो।